Note, by increasing the pressure on the volume of an enclosed gas, its volume decreases. ठीक है, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा. वेरियस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है, दस बाय कीप इक्विलिब्रियम बिटवीन एंड इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजिंग टेम्परेचर पॉसिबल टू कीप द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. वो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. पता नहीं आपने वर्ड कभी पहले पढ़ाया नहीं पढ़ा. इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पर चीजें सेम होती हैं. इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पर चीजें सेम होती हैं और परफेक्ट रेंज में होती हैं. मतलब वो कह रहा है, ये आपको पता है कि सर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभी हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम चेंज होगा. सर वॉल्यूम को प्रेशर प्रेशर कितना चेंज करें कि वॉल्यूम जो कि जो हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, वॉल्यूम वो फिक्स्ड ही रहे. वो क्या रहे, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड रहे. तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कि प्रेशर में, जैसे कि आपको पता है कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा. ठीक है, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो वो कह रहा है सर वॉल्यूम को फिक्स्ड रखना है, वॉल्यूम को फिक्स्ड रखना है तो क्या करो. तो कह रहा है वॉल्यूम को फिक्स्ड रखना है ना, तो एक काम करो, टेम्परेचर को बढ़ाओ एक्स यूनिट से. ठीक है, और पी को भी बढ़ाओ बढ़ाओ एक्स यूनिट से. सर इससे क्या होगा, ये होगा, इससे ये होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आपका वॉल्यूम लेट से एक्स यूनिट से बढ़ जाता है. ठीक है, और प्रेशर के वजह से एक्स यूनिट कम हो जाता है. तो नेट इफेक्ट आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको कुछ चेंज हुआ ही नहीं, वॉल्यूम आपका कैसा कॉन्स्टेंट है. तो आपको इस तरह के चेंजेस को करना है, आपको सीखना है. तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. इस चीज़ को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कि इसको इन चेंजेस को इस लेवल पर ले आओ कि वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट है. तो इस चेंजेस को निकालना है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, है ना. तो सर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, इक्विलिब्रियम तभी निकलेगा जब इन दोनों को इक्वेट करोगे. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, बहुत ईजी है. मतलब अ गिवन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 572 सेंटीमीटर क्यूब एट 13 डिग्री सेल्सियस एंड 725 mm HCG प्रेशर. ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 24 डिग्री सेल्सियस 792 mm HCG प्रेशर. है अपना कुछ और दिया हुआ है यहाँ पर, लक्ष्य निकलने के लिए तो ये फॉर्मूला लगा दो. यहाँ पे 572 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको उन्होंने आपको प्रेस वॉल्यूम दे दिया है, ये आपको प्रेशर दे दिया है. ठीक है, ये आपको टेम्परेचर दे दिया है केल्विन में. ठीक है, ये आपको प्रेशर दे दिया है ना, ये आपको टेम्परेचर दे दिया नीचे केल्विन में चेंज करके. वॉल्यूम आपको निकालना है तो वो फॉर्मूला दोनों की इक्वेट कर दो और यहाँ पे वी वॉल्यूम टू को एक्स मान लो, एक्स मान को सॉल्व कर लें, इजिली हो जाएगा. ठीक है, होमवर्क. सब्सटीट्यूटिंग, अच्छा ये तो अच्छा. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. वन लीटर ऑफ गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस हीटेड टिल बोथ इट्स वॉल्यूम कैसा ट्रिपल. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ मार्क कर लो इसको. ट्रिपल डबल डी वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नंबर नहीं होता, नंबर निकालने पड़ते हैं उससे जूम करके. बोथ इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर ट्रिपल टू, कह रहे हैं एक लीटर गैस है जो कि जिसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है, उसको 10 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया है और इसलिए अगर जैसा जो वॉल्यूम है ना प्रेशर है, दोनों दोनों के ट्रिपल हो चुके हैं. फाइंड द न्यू टेम्परेचर. ओहो,
वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेंशन नहीं दिया हुआ, टेंशन मान को निकालना है। यानी कि सर क्या ये ट्रिपल ऑलरेडी लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के बाद हुआ है? 10 डिग्री सेल्सियस करने के बाद हुआ है, यानी कि हम इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते थे, बिफोर 10 डिग्री सेल्सियस, जब हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो था तब सर कुछ और होगा, जब 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तब कुछ कंडीशंस अलग थी, है ना, हम कह सकते हैं सर। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस जब हम गर्म नहीं करे थे तब सर इनका जो सिंपल चीज़ होंगी तो नॉर्मल नॉर्मल होंगी सर, प्रेशर 1 यूनिट होगा, वॉल्यूम की 1 यूनिट दी ही हुई है उन्होंने, 1 यूनिट का गया, टाइम से निकाल लो। ठीक है, और जैसे वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो उस टाइम पे से पूछ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे सर प्रेशर आप कह रहे हो ट्रिपल टाइम हो गया, तो पहले पी था अब उसका ट्रिपल हो गया, 3 पी हो गया, पहले वॉल्यूम कितना था 1 एल था तो उसका ट्रिपल हो गया, 3 एल हो गया, और टाइम से निकाल दो, वही फॉर्मूला आके इक्वेट करके लगा देना, बस ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझ वाली हुई है, दो कंडीशन दी हुई है, दो फेज दी हुई है, एक अप टू 10 डिग्री सेल्सियस जब तक सारी चीज़ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन 10 डिग्री के बाद ही वॉल्यूम क्या हो गया, जब इंक्रीज हो गया ट्रिपल हो गए, तो सर किस लेवल पर, किस लेवल पर वो ट्रिपल हुए वो टाइम से आपको निकाल के देना है। ठीक है, होगा ये भी आपका। गैस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर अंडर एसटीपी स्टैंडर्ड कंप्रेशन प्रेशर, है ना, कंडीशन ठीक है, एक गैस को सिलेंडर बंद किया गया, ठीक है, एट वाट टेम्परेचर डज द वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोज गैस बिकम 1/6 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, प्रेशर दोनों में सेम रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो सर। इनिशियल एक लेते हैं और एक लेते हैं आफ्टर, है ना, ठीक है, हम बात कर रहे हैं पहले टेम्परेचर की, तो इधर का टेम्परेचर तो पूछा गया है, इधर का टेम्परेचर कुछ दिया नहीं है, तो उसको 1 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, और 1 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करोगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब वॉल्यूम बिकम 1/6 ना, तो वॉल्यूम तो अभी 1 हो जाएगा, 1 यूनिट मान लो, लीटर का क्या है, कुछ दिया नहीं है, 1 लिख लो, यूनिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, मीटर 1/6 पे कह रहा है वो, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यानी प्रेशर अगर यहाँ पर भी सिंगल पी है तो यहाँ पर भी सिंगल पी ही है ना, इसको V1, इसको B बोल देता हूँ मैं, सिंपल सा सिंगल V है ना, V1, और ये क्या हो जाएगा इसका 1/6, यानी V1 × 1/6, है ना, ये V1/6 भी हो जाएगा। अब ये सब आपको लेकर सॉल्व करना है, और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वी की वैल्यू आ जाएगी सर, पी की वैल्यू भी तो आ जाएगी, नहीं पी से भी कैंसिल हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो पी से भी कैंसिल हो जाएगा, आपके वी की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, वर्किंग में होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, प्रेशर ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज डबल, ओके सर, डबल वाले फिर तो इंपॉर्टेंट आ गया, तो किसी का प्रेशर डबल हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर 546 केल्विन हो गया, सर 546 है नहीं, हो गया रेज टू, जैसे प्रेशर डबल हुआ टेम्परेचर भी डबल हो गया, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम हो गया, तो अब उसका फाइनल वॉल्यूम क्या है, यानी ये पुराने वाले की तरह होगा, पुराना प्रेशर 1 मान लो, 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट को उन्होंने 760 mm भी लिखा है, 180 mm लिखो, 760 mm लिखो, वो आपके ऊपर है किस यूनिट में लिख रहे हो, ठीक है, अब सर वो बाद में डबल हो गया तो बाद में उसको डबल कर दिया, ठीक है, टाइम से पहले 1 यूनिट मान लो तो 1 यूनिट का मान 273 है, बाद में वो इतना हो चुका है तो होने दो उसको, यहाँ पे दिमाग मत लगाना, क्या सर इसको भी डबल बोलो ना, डबल बोलने की जरूरत नहीं कह रहा वो, ठीक है, तो उसने नंबर का है नंबर, वो अलग बात है, कोइंसिडेंस वाली बात है कि ये भी डबल ही है, V1 आपको दिया नहीं है तो V1 को एक्स ही मान लो, और दूसरे आपको फाइंड आउट करना है, दूसरे को एक्स मान लो, उसको V1 को 1 मान लो, ऐसा V1 लिखा देना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्स मान लो, ठीक है,
इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी आपका होमवर्क में है। द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन प्रेशर। द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन प्रेशर। सर मॉइस्चर का प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर पे मॉइस्चर का क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। सर्टेन गैसेस, कुछ गैसेस हैं लाइक नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जैसे इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल है ठीक है, और अगर थोड़े बहुत सॉल्युबल तो भी सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, तो वो कलेक्ट हो जाते हैं पानी के ऊपर, हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं एज सोन इन फिगर 7.7, जिसको 7.7 में गया है। सेवन में देखा जा रहा, कहीं हमें दिखाई पिक्चर। कलेक्शन ऑफ गैस दिखाई दे रही है, गैस ओवर वाटर ठीक है, और इधर भी आपको थोड़ी 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 दिखाई दे रही होगी, मतलब वो दिखाई भी नहीं दे रही हो, बस वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेन द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, जैसे गैस ओवर वाटर के ऊपर कलेक्ट हो जाती है, इट इज मॉइस्ट, ये गीला होता है। हाँ ये गीला हो जाता है एंड कंटेन्स वाटर वेपर, उसके अंदर वाटर वेपर बन जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के अंदर, है ना। टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस मॉइस्ट गैस इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर वेपर। सर ये क्या भूल गए सर, देखिए उन्होंने इक्वेशन लगा डाला कि टोटल प्रेशर जो है ना, जिस घीलेपन की वजह से, घीली गैस की वजह से निकला है, वो विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस जनरेटेड बाय दी वाटर वेपर, जनरेटेड बाय दी वाटर वेपर, यानी गैस सूखी गैस का और इस वाटर वेपर का जब आप प्रेशर प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा उस घीली गैस का ठीक है। ये क्वेश्चन उन्होंने बता डाला, पार्शियल, फिर कह रहा पार्शियल प्रेशर जो होता है ना वाटर वेपर का, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक्वियस टेंशन। टेंशन है सर ये, पता नहीं सर। पार्शियल टेंशन प्रेशर का मीनिंग तो बताया नहीं, उन्होंने यहाँ पीछे लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर दैट द गैस वुड एग्जर्ट, दैट द गैस वुड एग्जर्ट, जो प्रेशर करेगी, प्रेशर देगी, इफ इट अलोन फिल्ड विद द कंटेनिंग, फिल्ड द कंटेनिंग वेसल एट द सेम टेंशन प्रेशर। वो कह रहा है फाइनल पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है, वो प्रेशर है तब छोड़ती है जो, तब छोड़ती है जो गैस तब एग्जर्ट करती है जब ये अकेले ही अपने साथ वाले वेसल को फिल कर देती है सेम टेम्परेचर पर, सेम प्रेशर पर ठीक है, यानी कंडीशन है यहाँ पे, तभी जाके पार्शियल गैस रिलीज होगी, जरूरत नहीं होगी। तो देखो टोटल गैस का उन्होंने फॉर्मूला बता दिया, टोटल गैस का फॉर्मूला होता है कि ड्राई गैस का प्रेशर और वाटर वेपर का प्रेशर ऐड कर दो, तो फिर उन्होंने प्लस माइनस करके क्वेश्चन घुमा दिए हैं और फॉर्मूला बना दिए हैं, तो एक्चुअल प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला उन्होंने बना दिया, टोटल में से एक्स प्लस माइनस कर दो ठीक है। दोस्तों टू ऑप्टेन द एक्चुअल प्रेशर, यानी एक्चुअल प्रेशर, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस वाला, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस वाला, तो उसके लिए इक्वेशन आपका बन गया ठीक है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।